दोस्तों, ये जो मॉस रोज होते हैं, देखो मतलब गुलाब के जितने ही सुंदर होते हैं, कितने प्यारे प्यारे, इसीलिए मुझे लगता है इन्हें मॉस रोज कहते हैं। और यहाँ देखो सारे रंग के ही खिले हैं सब। ये लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है, ये शेडेड है, ये भी ऑरेंज ऑरेंज सा है, और ये येलो है। तो ये बहुत सारे कलर में आते हैं, बहुत सारे कलर में। और यहाँ देखो ये भी है, ये रानी कलर है, ये वाइट भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जैसे कि आप सबको बताइए कि जून की बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है। मई जून में तो इतनी ख़तरनाक गर्मी पड़ी, क्या कहने, और लू भी इतनी चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं, तो उससे हमारे पौधे काफ़ी सारे ख़राब हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फूल वाले पौधे हैं जो हमारे गार्डन में मतलब खूब खिले हुए हैं अच्छे से और खूब फूल दे रहे हैं। उनको क्या है कि बस थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। केयर में क्या है कि थोड़ा सा पानी डाल दो, लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दो, जगह है तो पौधे में गुड़ाई कर दो, और मतलब इसी तरह से उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइम पे भी आप कुछ फूल वाले पौधे लगा सकते हैं। मेरे गार्डन में जो फूल वाले पौधे खिल रहे हैं, जिनमें फूल खिल रहे हैं, बस मैं आपके साथ उन्हीं को ही शेयर करूँगी। तो देखो सनफ्लावर कितने खिल रहे हैं, यहाँ पर गॉमफ्रेना बहुत अच्छे खिल रहे हैं, यहाँ पे वाइट वाला भी है, ये डार्क पिंक भी है, और विंका भी बहुत खूबसूरत खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे पेंटास खिल रहा है, ये देखो। तो ये मतलब हार्डी पौधे हैं, इन्हें आप लगा सकते हो। और मतलब इतनी भयंकर गर्मी में भी ये मतलब बहुत ही ज़्यादा फूल दे रहे हैं, और नर्सरी में आपको 20-25 रुपए तक के मिल जाएंगे ये जितने भी पौधे मैंने आपको दिखाए हैं। बस पेंटास आपको ऐसे मिलेगा 60-70 रुपये तक का, और बाकी ये सब पौधे जितने भी सीजनल हैं ये आपको 20-25 रुपए के मिल जाएंगे। और आप एक बार ले आएंगे तो इनके बीज संभाल कर रख देंगे, तो ये मतलब काफ़ी टाइम तक आपके गार्डन में बने रहेंगे। और यहाँ पे बोगनविला है, बोगनविला भी देखो एक बार खिल के वो हो गया था, ये अब दोबारा फिर से खिलने लग गया, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। तो जो बोगनविला है वो आपको 100-150 रुपये में नर्सरी में मिल जाएंगे। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं मेरे सनफ्लावर, देखो कितने खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे भी सदाबहार बहुत सुंदर खिले हुए हैं, साथ में मॉस रोज भी खिल रहे हैं, देखो। फायर क्रैकर्स भी खिल रहा है, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, अब फिर आने लग गई हैं इसमें कलियाँ। पे देसी गुड़हल खिल रहा है, पिंक भी और वाइट भी, और मॉस रोज देखो, ये सारे देसी मॉस रोज हैं, बिल्कुल रफ टफ हार्डी, छोटी सी कटिंग से हो जाते हैं, कितने खूबसूरत लग रहे। टिकोमा भी खूब खिल रहा है, ये देखो काफ़ी सारा। तो ये जो है ये देसी टिकोमा है, हाइब्रिड भी आते हैं जो बुश वैरायटी के होते हैं। यहाँ पे श्रिम्प भी खिल रहा है, मेहरून वाला, और ये देखो ये वाला येलो वाला गोल्डन श्रिम्प भी खिल रहा है, और मैक्सिकन पिटोनिया भी खिल रहे हैं। मैक्सिकन पिटोनिया भी आपको 20-25 रुपये तक के मिल जाएंगे, इसमें 3 कलर आते हैं, मैं पिंक भी दिखाती हूँ आपको। ये पिंक है और देखो कितनी कलियाँ भी हैं, बहुत सारी। देखो जेट्रोपा भी खिला हुआ है, जेट्रोपा तो पूरे साल ही खिलता रहता है, और नर्सरी में ऐसे ही मिल जाएगा आपको 50-60 रुपए का, और कटिंग से भी लगा सकते हैं आप इसे। ब्लीडिंग हार्ट को भी ला सकते हो आप, ये देखो कितनी खूबसूरत होती है, और एक महीने से इसमें लगातार फूल खिल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फैलती भी नहीं है ये वाली ब्लीडिंग हार्ट। नर्सरी में आपको ऐसे मिल जाएगी 100-150 रुपये की। और यहाँ पर भी देखो सनफ्लावर अच्छे खिल रहे हैं, और ये देसी हिबिस्कस, और ये कनेर वाइट, ये मिनी चांदनी है। मिनी चांदनी भी आपको ऐसे 30 रुपए से लेके 50 रुपए तक की नर्सरी में मिल जाएगी, और कटिंग से भी बहुत आराम से हो जाती है। देखो इतनी खूबसूरत लगती है, रात को तो ऐसा लगती है जैसे तारे बिछे होंगे पौधों में। ये ईफोरबिया मिली है, देखो कितने खूबसूरत खिल रहे हैं, सब कटिंग से लगाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे देखो पीकॉक प्लांटर में भी बहुत अच्छे मॉस रोज खिले हैं, और मेरे इसमें भी, ये मैंने जो मॉस रोज की टॉपायरी बनाई थी उसमें भी काफ़ी खूबसूरत फूल खिले हुए हैं मॉस रोज के, देखो यहाँ। मेरी सावनी भी खिल रही है काफ़ी अच्छी, और फॉक्सटेल भी खिल रहे हैं, ये देखो सावनी में कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं। ये भी आपको नर्सरी में ऐसे मिल जाएंगे 50-60 रुपये तक के। फायरबूस बहुत ही सुंदर पौधा है, कटिंग से आप लगा सकते हो, कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है, नर्सरी में ऐसे मिल जाएगा आपको
30-40 रुपए तक का। और यहाँ पे जीनिया है, जीनिया तो आपको 20-25 रुपए के मिल जाएंगे नर्सरी में, और 20 से भी बहुत आराम से हो जाते हैं। देखो जीनिया के कितने सुंदर सुंदर रंग है। और जीनिया के बारे में मैं आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जीनिया का जो फूल है वो एक दिन खिलता है, तो ऐसे नहीं कि एक दिन रहेगा दो दिन रहेगा, बहुत दिनों तक रहते हैं जीनिया के फूल खिले हुए, बहुत ही दिनों तक। तो मैं कहूँगी जी, और हार्डी भी हैं बहुत, देखो, और कलर कितने सुंदर सुंदर हैं इनमें। और मोसोस तो देखो काफ़ी हाइब्रिड भी आते हैं मोसरोज, लेकिन हाइब्रिड को, इनको तो क्या है, ये मेरे गार्डन में सालों से बने हुए हैं, हाइब्रिड को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। डैंथस भी खिल ही रहे हैं यहाँ पे, ये देखो मोसरोज। और पास्लिन, पास्लिन के भी बहुत सारे कलर आते हैं, और मेरे पास हैं भी, ये देखो। तो ये सब हार्डी पौधे हैं, आप इन्हें इस समय लगा सकते हो, सदाबहार भी काफ़ी खिल रहे हैं। सबसे अच्छे मुझे जीनिया लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर रंग है जीनिया का।